This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purposes only. यहाँ पर आप देखें भाई साहब, जो हमारी लोकेशन है वो सिंगापुर की है और ये 90% स्कोर दे रही है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा स्कोर है। मतलब कि आप इसके अंदर अपना कोई भी टास्क इजीली परफॉर्म कर पाओगे। तो यहाँ पर हम 1GB चेक करते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा कि कितनी अच्छी स्पीड है। तो यहाँ पर सेव फाइल पर हम क्लिक करेंगे और भाई साहब यहाँ पर चेक करें, 100 MB तो हो भी गई है। ओ भाई साहब चेक करें, तकरीबन 14 MB/s यहाँ पर इंटरनेट स्पीड आ रही है, जो इंक्रीज होती जा रही है। तकरीबन 250 MB हो भी चुके हैं, तकरीबन अभी 10 से 15 सेकंड हुए हैं। यहाँ पर आपके सामने देखें मल्टीपल टैब जो है वो ओपन हो चुके हैं। अब आप इसके अंदर यूट्यूब चला सकते हो, इसमें भी यूट्यूब चला सकते हो, इसमें भी यूट्यूब चला सकते हो, जितना आपका काम है वो आप मल्टीपल ब्राउजर में सेम टाइम पर कर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू क्रिएट फ्री गूगल क्लाउड शेल RDP फॉर लाइफ टाइम इन 2024। अगर आप भी यूट्यूब में सर्च कर रहे हो फ्री RDP कैसे बनाए या गेट फ्री RDP, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी RDP क्रिएट करना सिखाऊंगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको बनाने के लिए ना तो आपको किसी क्रेडिट कार्ड की जरूरत होगी और ना ही किसी डेबिट कार्ड की जरूरत होगी। ये वर्चुअल क्लाउड RDP है, जिसको आप अपने किसी भी ब्राउजर पे इजीली एक्सेस कर पाओगे और इसमें ना तो कोई टाइम ड्यूरेशन है, जब तक चाहे आप इसको इजीली यूज कर पाओगे। और इस RDP की स्पीड भी काफी ज्यादा अच्छी है, तो ये ज्यादा लैग भी नहीं करेगी और आपको चलाने में भी इसको मजा आएगा। इसमें आप मल्टीपल टैब्स में एक साथ काफी कुछ कर सकते हो, काफी ज्यादा आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा और IP एड्रेस भी आपको किसी अच्छी प्रीमियम कंट्री का ही मिलेगा। तो आप भी अगर ये फ्री RDP बनाना चाहते हो तो आपने आज की ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले आपको बताया आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। और हाँ, अगर आप लोग फेसबुक से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो आपने लाजमी से देखनी है, जो काफी हमारी ऑडियंस को पसंद आ रही है। ये मैंने कल ही वीडियो अपलोड की है, किस तरह आप फेसबुक रील्स के लिए USA का प्रीमियम कंटेंट फाइंड कर सकते हो, जो राइट नाउ USA में ट्रेंडिंग में होगा। अगर आप भी ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो आप लाजमी से जाकर देखें। अब खैर टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको मिलेगा हमारे इस गूगल क्लाउड शेल RDP का नोटपैड। ठीक है, यहां पर मैं इसको ओपन कर लेता हूं और यहां से इस पूरे कोड को हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इस नोटपैड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसको इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, आपने अपने किसी ब्राउजर में आना है। अब ध्यान रहे, आपने वही वाला ब्राउजर ओपन करना है जिसमें आपका Gmail का अकाउंट लॉगिन हो। ठीक है, उसके बाद आपने गूगल में आना है, गूगल में आके आपने सर्च करना है गूगल क्लाउड शेल। ठीक है, ये टोटल वर्चुअल PC होगा, जिसको आप अपने किसी भी ब्राउजर के अंदर से ही एक्सेस कर पाओगे। गूगल क्लाउड शेल यहाँ पर आपने सर्च कर लेना, उसके बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ को और यहाँ पर ये वाला आपको लिंक मिल जाएगा, क्लाउड शेल गूगल। ठीक है, यहाँ पर आप इसका लिंक भी देख सकते हो। इसको आपने न्यू टैब में ओपन कर लेना है, न्यू टैब में जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे गूगल क्लाउड शेल का जो लोडिंग है वो होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि उसकी जो मशीन है और जो एडिटर है वो इस तरह करके आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। अब गूगल क्लाउड शेल ने हमारा ऑलरेडी यहाँ पर जो हमारे ब्राउजर में जो हमारा ईमेल लॉगिन था उसको यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, सिंपल जो आपने यहाँ से नोटपैड से ये वाला कोड कॉपी किया था उसको यहाँ पर आपने क्या करना है, पेस्ट कर देना है। सिंपल पेस्ट करने के बाद आपने इस पर एंटर पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप एंटर पर क्लिक करोगे, आपका काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, आपका जो वर्चुअल सिस्टम है, जो आपका वर्चुअल PC है, वो रेडी होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको तकरीबन 60 सेकंड या 70 सेकंड लगेंगे, बस जस्ट आपने वेट करना है। उसके बाद किस तरह आपने इसके अंदर एक्सेस लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो जाता है, उसके बाद आपको मिलता हूँ। इतना आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर जो हमारा कोड है वो कम्प्लीट हो चुका है। जब आपके सामने कुछ इस तरह का ये कम्प्लीट हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने आकर वेब प्रीव्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अब आपने क्या करना है, प्रीव्यू ऑन पोर्ट 8080 पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये आपको न्यू टैब में ले जाएगा और यहाँ पर आपके सामने अभी लोडिंग होगी और हमारी जो RDP है उसको यहाँ पर लॉगिन कर देगा। यहाँ पर चलते हैं वापस, अभी देखें यहाँ पर ये आगे बढ़ना छोड़ दिया इसने, तो इतना हमारी ये वाली RDP जो है वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी, चंद मिनट लग सकते हैं आपके यहाँ पर। ऑलराइट, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो लोडिंग होने के बाद आपकी कुछ RDP जो वर्चुअल आपकी RDP होगी, जो क्लाउड
कोड RDP होगी वो आपके सामने कुछ इस तरह ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, आपके सामने ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके सामने ये जो आपका टैब है वो ओपन हो जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर सब कुछ मैं चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले आप ये साइड बार पर क्लिक करें और यहाँ से इसको कर लें फुल स्क्रीन पर। ठीक है, जितना इसका प्रीव्यू हो सकता है वो इस तरह आपके सामने शो हो जाएगा। अब यहाँ पर अगेन इस पर हम क्लिक करके इसको साइड पर कर देते हैं, आपका डिस्प्ले आ गया। अब इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर नहीं जाना, आपने जाना ये कॉर्नर में। ठीक है, कॉर्नर पर आपको यहाँ पर आकर आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ऊपर आ जाएगा एक्सेसरीज, उसके अलावा इंटरनेट पर जैसे आप आओगे तो यहाँ पर आपको फायरफॉक्स और क्रोम का ब्राउजर प्री इंस्टॉल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फायरफॉक्स ब्राउजर ही यूज कीजिएगा, हो सकता है आपका क्रोम क्रैश करे। आप चेक कर लीजिएगा एक दफा चलाकर, अगर ये सही चलता है वेल एंड गुड है, अगर नहीं चलता तो आप फायरफॉक्स ब्राउजर भी यूज कर सकते हो, ये भी सिमिलर है क्रोम की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने आपका जो ब्राउजर है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ से इन टैब्स को हम कर देंगे बंद। ठीक है, आपको यहाँ पर इंटरनेट स्पीड वगैरह चेक करवा देता हूँ, सबसे पहले इसको बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो जाएंगे गूगल में। गूगल में आने के बाद सबसे पहले मैं आपको अपना IP एड्रेस चेक करवा देता हूँ, तो उसके लिए आज हम सर्च करेंगे वो आर वाली वेबसाइट को। ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताती है और बताती है कि ये RDP ये वाला सर्वर कितना सिक्योर है, इसका जो नेटवर्क है वो कितना सिक्योर है गूगल के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेंगे, वो आर मैंने सर्च कर लिया है, इसको हम फर्स्ट वेबसाइट को ही न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। अब आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस करनी है कि ये ज्यादा लैग भी नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पर आप देखें भाई साहब, जो हमारी लोकेशन है वो सिंगापुर की है और ये 90% स्कोर दे रही है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा स्कोर है। मतलब कि आप इसके अंदर अपना कोई भी टास्क इजीली परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, अगर आप किसी और वेबसाइट में चेक करना चाहते हो आपके IP एड्रेस कौन सा है वो भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर हम माई IP एड्रेस लोकेशन सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर आ चुका है माई IP एड्रेस लोकेशन, इसको हम सर्च करेंगे और इस फर्स्ट वेबसाइट को जो व्हाट माई IP है इसको हम ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। ज्यादातर लोग इसको भी चेक करते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं वो ही वाली वेबसाइट को चेक करते हैं जिस पर हमने पहले सर्च किया था, वो आर वाली वेबसाइट को। इस पर भी आप देख पा रहे हो जो सिटी है वो भी सिंगापुर है, जो रीजन है वो भी सिंगापुर है और जो कंट्री है वो भी सिंगापुर है। मतलब कि हमें सिंगापुर बेस्ड फ्री वर्चुअल RDP मिली है जो क्लाउड सर्वर है। ठीक है, इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ पर अपना जो इंटरनेट स्पीड है वो सर्च कर लेंगे, उसके लिए हम स्पीड टेस्ट सर्च करेंगे और यहाँ पर इसको सर्चिंग पर लगा देंगे। ओकला वाली वेबसाइट को मैं ओपन नहीं करूंगा, ये जरा टाइम लगाती है। हम ऐसा करेंगे fast.com वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, ये जरा क्विक रिस्पॉन्ड बताती है, इसमें एड वगैरह भी नहीं आते, इसलिए जरा ये अच्छे से आपको एक्चुअल स्पीड बता देती है। काफी ज्यादा अच्छी स्पीड प्रोवाइड करती है ये वाली फ्री RDP, तकरीबन 1 GB तक आपको इंटरनेट ये प्रोवाइड कर देता है। अभी देखें ये तकरीबन 600 MB तक पहुंच गया, या ऐसे ऐसा बढ़कर आपको 1 GB तक का इंटरनेट इजीली प्रोवाइड कर देगा। रहेगी कसर इस चीज की, मैं आपको इंटरनेट स्पीड भी यहाँ पर टेस्ट करवा देता हूँ कि एक्चुअल इंटरनेट डाउनलोडिंग स्पीड में कितनी अच्छी है RDP। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 GB की फाइल डाउनलोड पे लगाएंगे, फिर देखते हैं इसमें कैसी स्पीड आएगी एक्चुअल डाउनलोड की। ठीक है, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं 1 GB फाइल डाउनलोड टेस्ट, इसको हम सर्च करेंगे और ये ऊपर आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी। इसको आप क्या करें, इसको न्यू टैब में हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आप 100 MB भी डाउनलोड कर सकते हो, 1 GB भी कर सकते हो, 10 GB भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम 1 GB चेक करते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा कि कितनी अच्छी स्पीड है। तो यहाँ पर सेव फाइल पर हम क्लिक करेंगे और भाई साहब यहाँ पर चेक करें 100 MB तो हो भी गई है। ओ भाई साहब चेक करें, तकरीबन 14 MB/s यहाँ पर इंटरनेट स्पीड आ रही है जो इंक्रीज होती जा रही है। तकरीबन 250 MB हो भी चुके हैं, तकरीबन अभी 10 से 15 सेकंड हुए हैं, तकरीबन आपके 60 से 70 सेकंड में 1 GB की फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप एक्चुअल स्पीड भी देख पा रहे हो कि कितना तेज इंटरनेट स्पीड आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, सॉरी इसको डाउनलोड भी बंद कर देते हैं। अब बात आ जाती है कि आप किसी भी ब्राउजर के इस RDP के अंदर मल्टीपल टैब कैसे ओपन कर सकते हो, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ना इसको एक तो छोटा कर देना है और यहाँ से आपने इसका जो साइज है उसको पकड़ के आपने मिनिमम कर देना छोटा। ठीक है, यहाँ पर लाकर आप छोड़ दें तो ये आपके ब्राउजर का साइज जो है वो इतना हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने सारे ब्राउजर्स को फिलहाल बंद कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आप YouTube के मल्टीपल टैब्स ओपन करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर YouTube सर्च करना है, YouTube को सर्च करने के बाद आपने न्यू टैब ओपन करना है, इस तरह आपने टैब पर आना, टैब पर आने के बाद उस टैब को पकड़कर आपने साइड पर लाकर छोड़ देना। यहाँ पर आपके सामने देखें यहाँ पर आपका एक टैब ओपन हो चुका है जो कि सेपरेट ऐप के ब्राउजर से, मतलब कि ये अलग ब्राउजर हो गया, वो वाला अलग ब्राउजर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, न्यू टैब अगेन ओपन करना है। इसी तरह करके आपने मल्टीपल टैब यहाँ पर ओपन कर लेने हैं, जितने चाहे उतने आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर तकरीबन पहले मैंने जब RDP यूज की थी तकरीबन मैंने 20 से 25 चलाए थे, तो इजीली यहाँ पर ये इसने
चला लिए थे, कोई भी इसमें ज्यादा लैग वगैरह नहीं हो रहा था। यहाँ पर मैं मल्टीपल और खोल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से यकीन हो जाए। आपका भाई अधूरा काम नहीं करता, हर चीज लाइव आपको करके दिखाता है ताकि कोई और गीला ना रहे या कोई ये ना कहने वाला बने कि भाई आप ये वाला नहीं बताते इस तरह करके फलाना ढिमकाना। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने देखिए मल्टीपल टैब जो है वो ओपन हो चुके हैं। अब आप इसके अंदर यूट्यूब चला सकते हो, इसमें भी यूट्यूब चला सकते हो, इसमें भी यूट्यूब चला सकते हो, जितना आपका काम है वो आप मल्टीपल ब्राउजर में सेम टाइम पर कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपके सामने जो यूट्यूब वगैरह वो ओपन हो चुका है। जैसे आपका कंप्लीट हो जाए काम, यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हो क्योंकि मेरा इससे कोई काम फिलहाल नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पर मैंने अपने सारे टैब्स को जो है वो बंद कर दिया। अब अपनी ये वाले ब्राउजर की स्क्रीन को हम बड़ा कर लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको सिंगापुर की लोकेशन नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि आपको यूएसए की लोकेशन चाहिए अपने ब्राउजर के अंदर, तो उसके लिए आपको वीपीएन डाउनलोड करना पड़ेगा अपने ब्राउजर में, उसकी एक्सटेंशन को ऐड करना पड़ेगा इस ब्राउजर में। तो वो कैसे करनी है, आपने सिंपल ये 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एड ऑन्स पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप एड ऑन्स पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आगे आप अपने किसी भी चीज को सर्च कर सकते हो, किसी भी वीपीएन को सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ फ्री वीपीएन, यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया और सिंपल इसको सर्चिंग पे लगा देते हैं। यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल जो भी क्रोम के अंदर आपको फ्री वीपीएन मिलते हैं वो आपको इस ब्राउजर में भी इजीली मिल जाते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी फॉर एग्जांपल मैं इस वीपीएन को अपने इस ब्राउजर के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपल इस पर एक बार क्लिक करेंगे और ऐड टू फायरफॉक्स पर क्लिक कर देंगे। अब जो हमारे ब्राउजर के अंदर है ये वीपीएन इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, गो टू इट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको न्यू टैब में हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आपकी जो एक्सटेंशन है जो आपका वीपीएन वो शो हो जाएगा, सिंपल आपने इस पर एक बार क्लिक करना है, यहाँ से इसको इनेबल करके एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ से इसको हम क्रॉस करेंगे और सिंपल यहाँ पर हम स्टार्ट वीपीएन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से किसी भी कंट्री की लोकेशन सेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें यूएसए की चाहिए तो हम यूएसए की लगाकर यहाँ पर अपनी लोकेशन जो है हमारा आईपी एड्रेस है उसको चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पर इस ब्राउजर को बंद कर देता हूँ। जब आपका यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाए सिंपल आपने इस बार पर क्लिक करना है और यहाँ से स्क्रीन को छोटा कर देना है। अब आपकी जो आरडीपी है वो बंद नहीं होगी जब तक आपकी ये वाली वेबसाइट चलती रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें आपकी ये वाली वेबसाइट बंद हो भी जाए, अगर ये वाली चल रही है ना तो फिर आपने क्या करना है, वेब प्रीव्यू पर आना है, प्रीव्यू ऑन पोर्ट 8080 पर आपने क्लिक कर देना, आपको वहीं से आपकी आरडीपी अगेन मिल जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपसे ये वाली वेबसाइट भी बंद हो जाती है, ठीक है, और यहाँ से ये भी बंद हो गई और आपका ये पूरा ब्राउजर जो है वो बंद हो गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब बंद होने के बाद आपका पीसी नहीं बंद हुआ लेकिन आपसे पूरा ब्राउजर बंद हो गया। अब आप इसको अगेन ओपन करेंगे अपने ब्राउजर को और यहाँ पर आपने सर्च बार में क्लाउड शेल आपने सर्च करना है, यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा shell.cloud.google.com, आपने इस पर क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली आपकी आरडीपी को यहाँ पर देखें लोडिंग के बाद डिटेक्ट कर लेगा, जहाँ से आपने छोड़ी थी वहीं से आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये देखें ना तो हमें किसी और चीज को ऐड करने की जरूरत पड़ी है और ना ही कुछ और, यहाँ पर देखें टर्मिनल टैब्स हैज बीन रिकवर्ड। ठीक है, यहाँ पर ही ऑटोमेटिकली उसको रिकवर कर लेगा। वेब प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू ऑन पोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपने जहाँ से बंद की होगी वहीं से आपकी ये ओपन हो जाएगी। बेशक यहाँ पर आपका ब्राउजर ओपन होगा तो आपको वहीं से ही मिलेगा, आपको बार बार यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी आज की वीडियो, होप्स हो कि आपको आज की वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे एक गिटहब से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। जितनी भी गिटहब फ्री आरडीपीज में आपको एरर्स आते हैं जिसकी वजह से आपकी आरडीपीज नहीं बनती, उसका भाई ने सोल्यूशन निकाल लिया है। भाई वीडियो रेडी है, वो जल्द ही चैनल पर आ जाएगी, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जैसे वो वीडियो आए आप उस मेथड से फायदा उठा सके। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।